हाय माय स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। प्रूव दैट द सर्कल ड्रॉन विथ एनी साइड्स ऑफ अ सर्कल एज डायमीटर पासेज थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स। मान लीजिए एक सर्कल एक रोम्बस दिया हुआ है, ए बी सी डी, और इसका डायगोनल बी डी और ए सी। मान लीजिए ओ पे कट करता है, तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे, इन द रोम्बस ए बी सी डी इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ओ। टू प्रूव द सर्कल ड्रॉन with AB as diameter passes through the center through the point of इंटर सेक्शन ऑफ डायगोनल्स। प्रूफ, ए बी सी डी इज अ रोम्बस रोम्बस शो इट्स डायगोनल्स will intersect intersect at O perpendicularly
Therefore, angle A O B equals 90 degree. इसका रीजन लिख दें द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट्स ईच अदर परपेंडिकुलरली implies AB will be the diameter of the circle. यहाँ पर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर दे रहा हूँ ए बी को डायमीटर लेकर. ए बी यदि डायमीटर होगा तो ए बी का हाफ जो मिड पॉइंट होगा वो सर्कल का सेंटर होगा. तो मैंने सेंटर मिड पॉइंट ले लिया है और सर्कल ड्रॉ कर देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए. इट इज द फैक्ट इट इज द कन्वर्स ऑफ द फैक्ट कन्वर्स ऑफ द फैक्ट दैट डायमीटर ऑफ अ सर्कल subtends right angle at the circle at the circum parents of the circle hence the circle passes through the point of intersection of the
diagonals of the rhombus. Proved. यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर दबाएंगे ताकि मैं दूसरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को भेज सकूं. थैंक यू.